गाउट या गठियाबाई ये बहुत कॉमन सी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी उंगलियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है और बहुत ज्यादा परेशानी होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट होता क्या है? गाउट एक ऐसी कंडीशन है जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में भरने लगता है और उसके जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से जो केमिकल आपके इंक्रीज होता है वो आपके बोन के बीच में, छोटे छोटे जॉइंट्स के बीच में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से सूजन आती है या दर्द ज्यादा होता है। अगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में हम इसको मानते हैं वातरक्त। वातरक ऐसी कंडीशन है जब रक्त दूषित होने लगता है, दुष्टि आने लगती है, तो उसकी वजह से वात इंक्रीज होके उसको एक्यूमुलेट करता है या इकट्ठा करने लगता है छोटे जॉइंट्स में। या तो आपके हाथ की उंगलियों में बहुत ज्यादा ये एक्यूमुलेट होता है, उंगलियों में होता है, या आपके पैर में होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनने लगती है। तो ये एक ऐसा कॉमन सी चीज है जो आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही है। पहले हम ये देखते थे कि 40 की एज के बाद गाउट होने के चांसेस ज्यादा होते थे, या जो भी पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, एग्स लेते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटेक ज्यादा है, जो जिमिंग वगैरह में है, जब वो अपने जिमिंग करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज रखते हैं तो ठीक रहते हैं, बट जैसे ही ड्रॉप आउट होता है या मेंटेन नहीं रख पाते तो भी ये प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। किसी की बॉडी अगर एसिडिक फॉर्म में है, किसी का पित्त बहुत ज्यादा है, तो उसको भी चांसेस रहते हैं कहीं ना कहीं ये केमिकल एक्यूमुलेशन होने के। उनके यूरिन में जलन होती है, सुबह उठते ही पैरों में दर्द होता है, ये बहुत कॉमन सी चीजें होती हैं। तो सबसे बेसिक सी चीज ये है कि गाउट होता किन वजह से है। गाउट होता है अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक है, दालें बहुत ज्यादा लेते हैं, या किसी भी फॉर्म में हेवी मील ज्यादा लेते हैं। आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं करती है, डाइजेस्ट नहीं करती है प्रॉपरली जो भी आप खाना इंटेक कर रहे हैं या प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, या आप रात को बहुत ज्यादा हेवी लेते हैं, दही बहुत ज्यादा आप खाते हैं, तो उसकी वजह से गाउट की कंडीशन हो सकती है। सिंपल सा आयुर्वेद में कुछ तरीके बताएंगे जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। वो सिंपल तरीके ये हैं कि आपको सबसे पहले तो कम से कम एक महीने के लिए दालें या प्रोटीन इंटेक बिल्कुल बंद करना है। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो उसको बिल्कुल बंद करना है। डायरेक्टली अगर आप ऑयल लगाते हैं या मालिश करते हैं तो उससे दर्द बढ़ सकता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसमें एक आयुर्वेद में और पंचकर्म में एक ट्रीटमेंट बताया गया है जिसको हम कहते हैं रुक्ष पिंड स्वेद। एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम या तो बालू लेते हैं, रेत लेते हैं, उसको गर्म करके हम हीट करके वहां पे सिकाई करते हैं, या हमने एक स्पेशली एक पोटली बनाई है जो हम अपने पेशेंट्स को भी देते हैं। आप चाहे तो अपने लिए वो मंगवा सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हम आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको तेल लेना है, जो तेल साथ में है उसको हल्का सा आपको वहां पे रब करना है, ज्यादा मसाज नहीं करनी है, बहुत हल्का सा गर्म करके उसको रब करना है, उसके बाद पोटली को गर्म करके वहां पे सेक करना है। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उसमें सूजन भी कम होती है, दर्द भी कम होती है। अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको जरूरी है कि आप किसी चिकित्सक से जाके उनसे परामर्श लें और प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उसके अलावा बहुत जरूरी जो चीजें होती हैं वो है आपका डाइट और लाइफस्टाइल कैसा रहता है। डाइट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है। अगर आपकी रात को जॉब है, आप रात को ज्यादा जागते हैं तो उससे वात बढ़ता है। आप बहुत ज्यादा एक्सर्शन बॉडी के लिए करते हैं और बॉडी को टाइम नहीं देते, हीलिंग नहीं करते हैं, या आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट है आप उसको नहीं हटाते हैं, तो भी बीमारी बढ़ती है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। आप बीच में हर 6 महीने में, हर साल आप कभी ना कभी पंचकर्मा ट्रीटमेंट लें, जिससे आपके शरीर के अंदर वो चीजें नहीं रुकेंगी जो आपकी बॉडी को बीमारी उत्पन्न करने में मदद करती है, तो वो शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वो साफ हो जाती है, जिससे बीमारी नहीं होती। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप एक और सिंपल सा तरीका है कि आप हार सिंगार ले सकते हैं, हार सिंगार के पत्ते लेंगे, या अगर आपको फ्रेश मिलता है तो फ्रेश लेना बहुत अच्छा है। उसमें आपको 2 हार सिंगार के पत्ते लेने हैं, 4 फूल लेने हैं, उसको पानी में डालना है, उबालना है, और उसको आप डेली ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, इसको आप डेली दे सकते हैं। उसके अलावा आप मुलेठी चूर्ण ले सकते हैं, मुलेठी पाउडर जो होती है उसको आपने दूध के साथ थोड़ा सा पकाना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, पका के उसको छान के अगर आप लेते हैं तो ये आपके पित्त को भी शांत करेगा और जो आपकी बॉडी में वात बन रहा है उसको भी धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करता है। अगर इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो कोशिश करें रात को 20-30 ml आप कैस्टर ऑयल हल्का सा गर्म करके गर्म पानी के साथ आप सोते वक्त ले, तो इससे भी वात आपका इजी होगा। जो प्रॉब्लम्स वात की वजह से आ रही हैं, जो पेन हो रहा है वो रिड्यूस होगी। अगर उसके अलावा भी आपको फिर भी दिक्कत बनी रहती है या बहुत लंबे टाइम से ये दिक्कत है, जॉइंट्स मुड़ गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो गई है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन है, बहुत ज्यादा आपको पेन होता है, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने लिए या आपके घर में जो भी कोई बड़े हैं उनको अगर ये दिक्कत है या किसी को भी ये बीमारी अगर है तो इसको आयुर्वेद की मदद से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है और आपकी जो
प्रॉब्लम है, जो पेन है, जो आप पेन किलर्स पे आप रेगुलरली डिपेंडेंट है, उसको बिल्कुल बंद किया जा सकता है। तो ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेद को अपने लिए अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।